हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लाए हैं जो आप घर बैठे अपनी कई सारी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। तो वीडियो फुल वॉच करिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो आगे शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ मेरी पहली टिप है नेल पेंट को लेके। तो नेल पेंट हमारे घर में होता है और हमेशा हम इसको यूज़ करते ही हैं, लेकिन इससे सिर्फ नेल पेंट लगाने के लिए ही नहीं, आप इससे और भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो नेल पेंट लिया है ना, एक थोड़ा सा दूसरी तरह से चिकना है और एक जो है ना वो नीचे से ऊपर को उठा हुआ है। तो जो चिकना है ना उसको हम हटा लेंगे और फिर जो थोड़ा सा ऊपर को निकला हुआ है उसमें हम अपने चाकू को तेज कर सकते हैं। कभी कभी हमारे चाकू से कुछ कटता नहीं है, तो आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं हो ना तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। चाकू को तेज करने के बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है आपके चाकू को तेज करने का। आप इससे कैंची, चाकू कुछ भी तेज कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे ही आप करते जाएंगे ना तो इसमें धार अच्छा बनता जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही काम का होगा। तो आई होप आपको ये टिप यूज़फुल लगी होगी। अगली टिप मेरी यहाँ है ब्रश को लेके। तो ये जो हम ऑयल लगाते हैं इससे ना पराठों में या कोई चीज़ बनाते हैं तो इसको किचन में हमेशा यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही चिपचिपा और ऑयली हो जाता है जिससे ये जल्दी साफ़ नहीं होता है। इसको हम किसी भी सर्फ या साबुन से हम इसको नहीं धुल सकते, इसको बहुत ही केयरफुली हमें वॉश करना होता है। तो हमें इसको वॉश करने के लिए ना सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी ले लेना है। तो यहाँ गर्म पानी मैंने ले लिया है और इसी में मैं पहले अच्छे से इसको डुबो लूँगी, और इसको डुबोने के बाद ना फिर हम क्या करेंगे कि इस पानी को गिरा देंगे। पहले जो थोड़ा ऑयल रहेगा ना वो पानी में निकल जाएगा, और उसके बाद हम इसको गिरा के फिर दूसरा पानी ले लेंगे गर्म। तो यहाँ मैंने फिर से गर्म पानी ले लिया है। अब हम ले लेंगे यहाँ पे लिक्विड सोप और इसमें हम इसको दो से तीन बूंद डाल के और फिर इसको अच्छे से वॉश करेंगे। जो ऊपर का है ब्रश ना इसको भी निकाल लेंगे और तब इसको अच्छे से वॉश करेंगे। इसको हमें अच्छे से वॉश करना होता है क्योंकि इसमें का जो चिपचिपापन है ना वो हमें नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि अगर अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो ये चिपचिपापन तेल का निकलेगा नहीं। तो इस तरह से हम इसको धुल लेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे ना कि इसको हम दूसरे पानी से धोकर फिर हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये एकदम से क्लीन हो गया है, जो पहले एकदम चिपचिपा हो गया था वो अब एकदम सही हो गया है। तो इस तरह से आप अपने ब्रश को साफ़ करिए अगर यूज़ करते हो घर में तो, और ख़ासतौर पे आजकल सब लोग इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए मैंने इसको धुल लिया है अच्छे से और एकदम क्लीन हो गया है ये। तो अगर ये वाली टिप अच्छी लगी होगी ना तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा इसके लिए। अगली टिप यहाँ मेरी है ऑयल को लेके। तो चाहे नारियल तेल हो चाहे बादाम तेल हो, हम हमेशा यूज़ करते हैं, और ठंडी में भी नारियल का तेल भी यूज़ करते हैं, और अभी गर्मी आ जाएगी तो भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने बादाम का तेल लिया है और कस्टर्ड ऑयल लिया है, जो कि दोनों चीज़ ही यूज़ होती हैं। और इसके लिए हमें क्या होता है ना कि जब हम इसको निकालते हैं तो साइड में गिरने लगता है और हाथों में भी बाद में लगता है, और धीरे धीरे हमारा जो बॉटल है ना वो भी गंदा होने लगता है। तो आपके पास जो भी ऑयल हो, जो भी आप यूज़ करते हो ना, उस पर आप एक रबड़ बैंड लगा कर रखिए, जिससे क्या होगा कि आपका ऑयल नीचे तक नहीं आएगा और आपका बॉटल गंदा नहीं होगा, आपकी सीसी जो होती है वो भी गंदी नहीं होगी, और आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। और जब रबड़ गंदा होगा तो उसको आप धुल सकते हैं। अगली टिप में यहाँ चूड़ियों को लेके है। तो चूड़ियों को पहनने का ना आज मैं तीन तरह से बताऊँगी तरीका, जो आप आसानी से पहन सकते हैं, चाहे भले ही आपकी चूड़ी छोटी हो। कभी कभी होता है कि हमें चूड़ी जो पहननी होती है ना वो थोड़ी छोटी होती है और वो जाती नहीं है जल्दी। तो इसको आप तीन तरीके से आसानी से पहन सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो पहला तरीका यहाँ मेरा वैसलीन का है। कभी अगर चूड़ियाँ छोटी हो और आपको पहनना हो, क्योंकि कभी होता है कि हमें मैचिंग की चूड़ियाँ नहीं मिलती हैं और हमारे पास जो होती हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं, तो आप वैसलीन से आसानी से पहन सकते हैं और निकाल सकते हैं। अगर आपके पास वैसलीन नहीं हो ना तो आप इसकी जगह बॉडी लोशन भी ले सकते हैं जो आप यूज़ करते हो। और दूसरा तरीका यहाँ मेरा पॉलीथीन से है। पॉलीथीन से भी आप चूड़ियों को आसानी से पहन सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, आप कहीं बाहर हो, आपको पहनना हो चूड़ियाँ, तो आप एक पॉलीथीन लीजिए और उससे पहनिए। तो जैसे हम इससे पहन लेंगे ना तो फिर हम क्या करेंगे कि एक पॉलीथीन जो जिसे हम पहने रहेंगे उसको फिर से हम डालेंगे और चूड़ियों के अंदर से ऐसे कर लेंगे, और फिर हम अपनी चूड़ियों को आसानी से निकाल भी सकते हैं। तो ये भी तरीका दूसरा बहुत ही काम का है, जिससे आप आसानी से चूड़ियों को पहन सकते हैं और निकाल सकते हैं। और तीसरा तरीका यहाँ पे मेरा मोज़े से है। हम मोज़ा तो यूज़ करते ही हैं और हमारे पास अक्सर होते ही हैं, तो अगर आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं हो तो आप मोज़े से भी आसानी से पहन सकते हैं। तो देखिए मोज़ा मैंने हाथ में लगा लिया है, अब इससे मैं चूड़ियों को पहन लूँगी,
और इसको निकालने का तरीका और भी बेस्ट है। आप इससे ना मुझे को पकड़ के आसानी से निकाल सकते हैं चूड़ियों को। तो जैसे यहाँ मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं, फिर मैं मोज़ा निकाल के दिखाती हूँ। तो पहले मोज़ा हम निकाल लेंगे, फिर मैं बताऊँगी कि इस चूड़ियों को फिर हम कैसे निकालेंगे मोज़े से। तो यहाँ देखिए, फिर से मैं मोज़े को पहन लूँगी। जब आपको निकालना हो तो मोज़े को पहन लीजिए और फिर चूड़ियों को ऐसे ऊपर चढ़ा लीजिए। और चढ़ाने के बाद ना फिर हम क्या करेंगे कि मोज़े को ऊपर से पकड़ के ऐसे नीचे की तरफ खींच देंगे, जिससे हमारी चूड़ियाँ भी आसानी से निकल जाएंगी, आपके हाथों में कोई भी दर्द नहीं होगा। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है आपको मोज़े से पहनने का और निकालने का। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कौन सी टिप आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है वो भी बताइएगा ज़रूर। और चूड़ियों की ये टिप आप ज़रूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है सबको चूड़ियाँ पहनने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।